लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के समर्थन में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में बैठक आयोजित की गई, जहां जीत का खास प्लान तैयार हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। निजी गार्डन में इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से पार्षद राजू भदौरिया द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव, इंदौर लोकसभा प्रभारी विपिन वानखेड़े, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा, पंडित कृपा शंकर शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद टंडन, वरिष्ठ नेता राजेश चौकसे ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर संबोधित किया। एक तरफ है अच्छे बम और दूसरी तरफ है शंकर लालवानी। आप देखो कि कितने लोगों के मोहल्लों में पिछले 5 साल में शंकर लालवानी जी आए, जरा हाथ ऊंचा करो। कभी आज तक शंकर लालवानी जी ने कभी कोई वार्ड का दौरा किया? कोई के मैयत में आए, मौत में आए, शादी में आए, ब्याह में आए, कभी शंकर लालवानी जी किसी के घर आए हो तो हाथ ऊंचा करो। आप देखो कि एक तरफ ऐसा निष्क्रिय सांसद हमें मिला जिसने सिर्फ कोई नेता दिल्ली से आया तो उसके साथ फोटो खिंचवाने में अपना सौभाग्य और गौरव महसूस किया, और चूंकि बीजेपी को कई साल से यह सांसद मिल रहा है, इंदौर शहर ने उन पर भरोसा किया है, तो स्वाभाविक तौर पे इंदौर शहर एक ऐसा अपने आप में ताकत रखने वाला शहर है जो अपनी उन्नति खुद करता है। मैं इन बहनों को जो इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित है, आज बीजेपी का घोषणा पत्र आया है केंद्र स्तर पर, उन्होंने मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? अरे बोल के बताओ, याद है कि नहीं है? याद है, बोलते जाओ तो पता चले कि हमारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कोई जज्बात है, हार हो या जीत हो, कांग्रेस की आइडियोलॉजी उसके दिल में आग की तरह जल रही है। अरे मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जब पेट्रोल था 60 का, बाबा रामदेव ने कहा मैं 30 कर दूंगा, कर दिया 110 का, सही है कि गलत? जब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जब खाने का तेल किचन आई, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल था 40 का भाभी, बाबा रामदेव ने कहा 30 का कर देंगे, कर दिया 140 का, सही है कि गलत? फिर आपके बीच में चिंटू भैया वादे के पक्के हैं, 20 दिन पहले बुलाया था तो उस दिन मैंने अपनी बात करी थी, पूछा था चिंटू भैया से मौका दोगे ना, पर चिंटू भैया इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा मौका, ये बहुत बड़ी बात है आप सब लोगों के बीच में आने के। सर्वप्रथम हमारे कांग्रेस के भीष्म पितामह जो कांग्रेस पार्टी से मात्र 30-35 साल ही छोटे होंगे, हमारे पंडित जी, आपका मैं नमन करता हूँ, आपका मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि आप हर मंच पर यहाँ पर रहते हैं और कांग्रेस को जिंदा रखते हैं। हमारे सबसे कर्मठ हर पद पर रहे हुए विधायक क्या, सांसद क्या, मंत्री क्या, और समय समय पे मेरे ज्ञान चक्षु खोलने वाले ऐसे हमारे आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब, आपके भी मैं चरणों में कोटिश कोटिश वंदन करता हूँ। आज दो परिवारों का 25 साल का अगर कांग्रेस का संगठन चलाने का अधिकार है और यहाँ पर सबको पता है, तो हमारे उजागर सिंह जी और उनके पुत्र सुरजीत भैया और प्रमोद टंडन जी दोनों ने मिलकर 25 साल इंदौर की कांग्रेस का संगठन चलाया, आप दोनों अगर यहाँ बैठे हैं तो मेरा संगठन और मेरी ताकत बहुत मजबूत होती है। दो नंबर के भीष्म पितामह और हर आदमी का आखिरी रिसोर्ट जहां जाने के बाद सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, ऐसे आदरणीय राजेश चौकसे जी का भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अगर मील एरिया में खड़ा हूं और मजदूरों के बीच में अपनी बात कर रहा हूं, और अगर मैं इंटक का नाम ना लूं तो ये मेरे पार्ट पे बेईमानी होगी। इंटक से पधारे हुए सभी यहाँ पे कार्यकारी लोग, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहाँ पर आए। अगर आज समय सही होता और आप लोग का अगर संगठन जिंदा होता तो मुझे ये कहते हुए कोई अतिशोक्ति नहीं है कि कांग्रेस की सरकार 28 प्रदेशों की बजाय कम से कम 23-24 में होती, ये आपकी कार्यशैली है। भगवान बुद्ध ने कहा।
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्षद राजू भदौरिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री अफसर पटेल, राजा चौक से प्रवक्ता अमित चौरसिया, पार्षद सोनाली मिमरोट, पार्षद धर्मेंद्र मौर्य, अमित पटेल, भूपेंद्र चौहान मौजूद रहे। इस लोकसभा चुनाव के बाद कोई बहना को कोई पैसा नहीं मिलने वाला, ना सरकार के पास पैसे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि नगर निगम इंदौर में गड्ढा भरने के लिए भी पैसे नहीं है। काय के लिए नहीं है? गड्ढा भरने के पैसे भी नहीं है। तनख्वाह हर महीने बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेके बैठ रही है। यही स्थिति मध्य प्रदेश की और यही स्थिति देश की है। अगर आप लोग चाहते हो कि लोकतंत्र बचे, देश बचे, हमारी नगर निगम मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो, तो सब लोग सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का टाइम है। 1250 या 1200 से 500 से ना तो दुनिया चली है ना चलेगी। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार हर साल महिलाओं को 1,00,000 रुपए देगी ताकि वो अपना व्यापार व्यवसाय चालू कर सके। युवा साथियों को 1,00,000 रुपए देंगे ताकि वो अपना छोटा मोटा धंधा चालू कर सके। तो मेरा सबसे आग्रह है कि पूरी ताकत से लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश को तानाशाहों से बचाने का चुनाव है। हम यहाँ बैठे हैं, आप बात सुन रहे हैं, घर जाएंगे सो जाएंगे और फिर वही बात होगी कि 1,250 ले लो, यहाँ मंदिर बनेगा, यह मस्जिद बनेगा। बात है विकास की, बेरोजगारी कम करने की, महंगाई कम करने की। पूरे देश को कर्जे में डाल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। गूगल पे सर्च करो, केंद्र सरकार का डेढ़ लाख रुपए के कर्जे में बच्चा पैदा हो रहा है। आज अच्छा लग रहा है, लेकिन कल जब यह कंगाल होने की स्थिति में आ जाएगा तब पता चलेगा हमने को क्या खोया और क्या पाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के समर्थन में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में बैठक आयोजित की गई, जहां जीत का खास प्लान तैयार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।